हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टैली डिजिटल क्लास। दोस्तों, फिर से एक और बार मैं आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं कि GST रजिस्ट्रेशन किसे करना है और उसके रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं, उसके बारे में मैं आपको आज यहां पर बताने वाला हूं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टैली डिजिटल क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में आते बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशंस, नए नए अपडेट्स आपको मिलते रहे। GST के रिलेटेड अपडेट्स जो भी होती है उसके मैं वीडियो बनाता रहता हूं और एजुकेशन के रिलेटेड भी वीडियो बनाता रहता हूं। तो आज के इस लेक्चर में हम यहां पर देखेंगे GST रजिस्ट्रेशन किसे करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत यहाँ पर पड़ सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि गवर्नमेंट ने एक थ्रेशोल्ड लिमिट नक्की की हुई है। तो अगर आपका टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा हो जाता है, पहले क्या होता था कि 20 लाख से ज़्यादा का आपका टर्नओवर होता था तो आपको GST में रजिस्ट्रेशन करना हो सकता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशंस के तहत बताया गया है 2019 में जी गवर्नमेंट ने बताया था कि अगर 40 लाख से अगर आपका टर्नओवर ज़्यादा हो जाता है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी हो जाता है। पहले 20 लाख पर रजिस्ट्रेशन था, अब 40 लाख कर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हम कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट की हम यहाँ पर बात करें तो पान कार्ड किसी भी कंपनी आप जिसे GST में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो पान कार्ड मैंडेटरी है। जी हाँ दोस्तों, आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, इंडिविजुअल कंपनी हो, LLP हो या लिमिटेड कंपनी हो, किसी भी कंपनी का आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो GST में तो पान कार्ड तो कंपलसरी है और उसके साथ फ़ोटो और आधार कार्ड भी आपको वो कंपलसरी है। अगर आप पार्टनरशिप में कंपनी चला रहे हो, ओनरशिप है आपकी पार्टनरशिप, तो उसके लिए आपको पार्टनरशिप डीड की ज़रूरत पड़ सकती है। और हाँ दोस्तों, बैंक पासबुक की कॉपी भी मैंडेटरी है। ID प्रूफ में इलेक्ट्रिसिटी बिल, एड्रेस प्रूफ या आप टेलीफोन बिल दे सकते हैं। ID प्रूफ में इलेक्ट्रिसिटी बिल, एड्रेस प्रूफ, और हाँ दोस्तों, ये आपको फिजिकल कॉपी नहीं देनी है, GST पर ये कॉपी को स्कैन कर अपलोड करनी होती है। GST रजिस्ट्रेशन जब आप करते हो तो आपको स्कैन करना है ये सब डॉक्यूमेंट को और उसको अपलोड करना है GST के पोर्टल पर। इसके बाद मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA, इसकी भी आपको ज़रूर पड़ सकती है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। रेंट एग्रीमेंट, अगर आपका बिजनेस है, जो भी बिजनेस आप जहाँ पर चला रहे हो, यह कारखाना है, ऑफिस है, जो भी है, वो आप अगर रेंट से रखा है तो उसका रेंट एग्रीमेंट भी आपको देना है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जब आपने कंपनी, अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, LLP है या तो फिर इंडिविजुअल कंपनी है, तो आपका जब उसका कंपनी रजिस्टर में आपने रजिस्ट्रेशन करवाया होगा तब आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो उसका भी कॉपी स्कैन कॉपी कर आपको GST पोर्टल पर अपलोड करना है। इसके बाद LLP रजिस्ट्रेशन एग्रीमेंट, अगर आप LLP है, आपकी फर्म LLP है, LLP में रजिस्टर्ड है, तो आपको LLP एग्रीमेंट आपको स्कैन कॉपी कर आपको GST पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन वक्त आपको स्कैन करके अपलोड करना है। तो पान कार्ड है, आधार कार्ड है, फिर बैंक पासबुक है, एड्रेस प्रूफ है और हाँ LLP एग्रीमेंट और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंडेटरी है, उसको आपको कंपलसरी अपलोड करना है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने यहाँ पर देखा कि GST रजिस्ट्रेशन किसे करना है, तो 40 लाख से ज़्यादा का टर्नओवर जिसका होता है उसको GST रजिस्ट्रेशन करवाना होता है।
तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने यहाँ पर देखा कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन किसे करवाना है और उसके डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं। तो आज का इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें, इम्पोर्टेंट लगा तो अपने दोस्तों को शेयर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में आते बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि जीएसटी के नई नई अपडेट्स नोटिफिकेशंस जो भी है वो आपको मिलती रहे। तो दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।